बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वाचिंग स्लो बेस एग्जाम में जहांगीर वर्ल्ड वाइड वेब एंड एचटीएमएल यूनिट 7 कंप्यूटर साइंस क्लास 10। टॉपिक्स ऑफ द वीडियो आर वी विल सी यूज ऑफ इमेजेस एंड बैकग्राउंड इन वेब पेजेस एंड देन वी विल सी सम टैग्स यूज्ड फॉर एडिंग इमेजेस एंड बैकग्राउंड एज वेल एज फोरग्राउंड कलर्स। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज यूज ऑफ इमेज इन वेब पेज। फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाई डू वी एड इमेजेस, बिकॉज instead of reading a lot of text which takes time and effort, people prefer web pages with relevant images. बहुत सारी लिखाई को पढ़ने की बजाय कि आपने बहुत सारी लंबी 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 चौड़ी बातें लिखी हों, कोई जो है ना उसको रीड करने की बजाय अगर आप उसमें इमेज शो करें, इट विल बी मच ईजियर। मतलब जो पढ़ने वाला है उसके लिए बहुत आसानी होगी, देखने में एक ही तस्वीर को देख के उसको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर इफ़ यू आर टेलिंग समवन अबाउट योर कॉलेज कि हमारे कॉलेज में इतने कमरे हैं, इतने ये फलां है और ये चीज़ें हैं, ग्राउंड है वगैरह हैं, इसकी बजाय अगर आप उसको तस्वीरें दिखाओ तो बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी, डायरेक्टली वो समझ जाएगा कि इसमें ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बेनिफिट्स जब आप इस्तेमाल करते हो, इमेजेस अट्रैक्ट अटेंशन एंड प्रोवाइड इन ईजी वे टू इम्प्रूव द विजिटर एक्सपीरियंस ऑफ अ वेब पेज। इससे हमारे पास क्या होता है, एक तो इमेजेस से अटेंशन हासिल होती है व्यूअर्स की, और दूसरी बात यह है कि उससे जो विजिटर होता है आपके पेज को देखने वाला होता है उसका वेब पेज के बारे में एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है। मतलब वो रिलैक्स फील करता है, चीज़ों को आसानी से समझ आ जाती है उनको। अच्छा, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर क्या है? बैकग्राउंड कलर वो है दैट अपियर्स बिहाइंड द टेक्स्ट। जिस तरह आप इस स्लाइड को देख रहे हैं, इस स्लाइड का जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है, आपको नज़र आ रहा है कि लिखाई हमारी ब्लैक है और इसके पीछे वाइट कलर है, तो ये जो लिखाई है ये हमारा फोरग्राउंड है कलर ऑफ द टेक्स्ट, और जो पीछे कलर है वो हमारा बैकग्राउंड कलर है। इसके लिए हम वेब पेज में कैसे ऐड करते हैं, इमेज टैग विद सोर्स एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड। हम हमारे पास एचटीएमएल में इमेज का टैग यूज़ होता है आईएमजी, और ये सिंगल टैग है, पेयर में नहीं आता, क्लोजिंग टैग इसका नहीं होता, और इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन तस्वीर या इमेज ऐड करने के लिए हमारे पास सोर्स या एसआरसी एट्रीब्यूट जो है वो हम करते हैं, और एसआरसी जो है वो जहाँ पे आपका इमेज पड़ा हुआ है उसकी लोकेशन बताता है कि इधर से उठा के आपने उसको शो करना है ब्राउज़र को। इसके अलावा हमारे पास दूसरा है बॉर्डर का, वो जो इमेज हमने ऐड किया हुआ है उसके हम बॉर्डर बनाना चाहते हैं। बॉर्डर मीन्स कि उसके चारों तरफ जो है लाइन हो, और उसकी मोटाई भी हम सेट कर सकते हैं। वेट मतलब बॉर्डर का कि कितना होगा वो आप नंबर्स में देंगे, जिस तरह यहाँ पे हम 5 का हम ट्राई करेंगे कि 5 का बॉर्डर कितना बनता है। सो लेट्स मूव एंड सी कि काम कैसे होता है। अच्छा, बाकी चीज़ें तो आई डू होप कि आप लोगों ने देखी हैं, एचटीएमएल हेड टाइटल वगैरह वो आप लोगों को समझ आती है। यहाँ पे डायरेक्टली हम इमेज का टैग यूज़ करते हैं, आईएमजी एसआरसी सोर्स इज इक्वल टू। अच्छा, अब इमेज जो है हमारे पास यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे देखता हूँ हमारे पास कौन से इमेज हैं। ये हमारा इमेज है, इस इमेज का मैं कॉपी करता हूँ, इसका नाम .jpg है और ये इस इमेज का नाम है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। और अगर आपको याद हो, ये बड़ा नाम है इसलिए याद करना मुश्किल है, अगर छोटा नाम हो तो आप याद करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, डबल कोट्स के अंदर बंद होना भी ज़रूरी है, मैंने पेस्ट कर दिया .jpg, ये लिखना ज़रूरी है। अब ये आपको कहाँ से पता चलेगा, वो जो प्रॉपर्टीज़ मैंने ओपन की थी ये भी ज़रा देख लें। ये देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ फाइल पे लिखा होगा, वही टाइप लिखोगे यहाँ पर मौजूद होगी, अदरवाइज़ आपका ब्राउज़र जो है उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ये मैंने कर दिया, उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया डबल कोट्स में, और फिर जो है इमेज को बंद कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सॉरी सेव एज, ये ऑलरेडी मेरे पास सेव है, तो मैं इसको सेव एज करता हूँ, डेस्कटॉप पे करता हूँ, और इसको मैं नाम देता हूँ इमेज, img.html। अब ये मेरे पास डेस्कटॉप पे बन गया होगा, ये मेरे पास डेस्कटॉप पे आ गया। ये देखें वो इमेज जो है जो मैंने ऐड की थी वो आपको वेब पेज में नज़र आ रहा है। अब इसकी जो बॉर्डर्स हैं उसके लगाने के लिए वही भी हम साथ में कर लेते हैं। आपने क्या करना है, उसी इमेज के आगे इमेज टैग में बॉर्डर का जो एट्रीब्यूट है BORDER बॉर्डर इज इक्वल टू 5, ये मैंने लगा लिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ, सेव ज़रूर करेंगे, और इसको फिर मैं दोबारा ओपन करता हूँ, अब रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए इसके बॉर्डर बन गए। तो इसी तरह आप इमेज टैग को यूज़ करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, बट हेयर वी आर डिस्कसिंग ओनली
कि आप इमेज एड कैसे करोगे और उस इमेज के जो बॉर्डर्स हैं वो कैसे बनाओगे। इसके बाद हम इमेज को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, उसकी साइज के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, वो हमारे पास है साइज के लिए, हमारे पास हाइट है, वेथ है, और एक तीसरी चीज है अल्टरनेटिव, या अल्टरनेट की उसको कहते हैं। तो वो हम क्या करते हैं, उसका क्या मतलब है। हाइट का मतलब ये है आपकी इमेज की जो हाइट है वो आप चेंज कर सकते हो, एंड दीज आर मेजर्ड इन पिक्सल्स। हमारे पास पिक्सल्स में होते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन में, या जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं जिनकी स्क्रीन होते हैं उनका पिक्सल में होता है। पिक्सल हमारा टॉपिक नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं सिर्फ इतना बता दूँ, पिक्चर पिक्सल स्टैंड फॉर पिक्चर एलिमेंट्स, और ये आपकी स्क्रीन जो है ये डॉट डॉट से बनी है, और एक डॉट जो है वो एक पिक्सल होता है। ब्राउजर रिसाइज इज इट स्पेसिफाइड, जितना आप हाइट ज़्यादा दोगे तो हाइट ज़्यादा होगी, जितना कम करोगे उतना कम होगा। विड्थ सिमिलरली, विड्थ जो है वो भी पिक्सल में होता है, उसको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अल्टरनेट जो है एट्रीब्यूट, वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी वजह से ब्राउजर जो है वो इमेज शो नहीं कर पा रहा तो आप इस तरह छोड़ नहीं सकते, यूजर को वहां पे कोई चीज जो है लिख के दे सकते हैं कि मतलब यहाँ पे इमेज थी लेकिन आपके ब्राउजर में शो नहीं हो रही, तो उसके लिए हम अल्टरनेट का जो एट्रीब्यूट है वो यूज करते हैं। सो लेट्स सी, हम इसको चेक करते हैं, हमारे पास उसी ही में चेक करते हैं, इसको आगे लेके जाते हैं। हाइट HEIGHT, हाइट इज इक्वल टू, मिसाल के तौर पर मैं 100 रखता हूँ। वेट WIDTH, वेट इज इक्वल टू, वो भी 100 रखता हूँ मिसाल के तौर पर। और ALT एट्रीब्यूट जो है अल्टरनेट का, उसको मैं लिखता हूँ सॉरी इज इक्वल टू, उसमें मैं लिखता हूँ इमेज ऑफ माई माइंड, जो भी आप लिखते हो आपकी मर्जी है, लेकिन उसका मतलब क्लियर होना चाहिए कि इसका ये मतलब है। अच्छा, अब मैंने इसको सेव कर दिया, मैं उस इमेज को ओपन करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए इसका साइज जो है वो 100 बाई 100 पिक्सल हो गया। आप इसको जितना बड़ा करना चाहते हैं, जितना छोटा करना चाहते हैं, यू कैन डू इट, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर सिस्टम का जो स्क्रीन है उसकी रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। अच्छा, सो दीज आर सम बेसिक टेक्स रिलेटेड टू इमेजेस। देन वी मूव टू अप्लाइंग बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर्स। फॉर बैकग्राउंड कलर्स बीजी कलर एट्रीब्यूट इज यूज एंड बॉडी टेक, एंड फोरग्राउंड कलर, फॉर फोरग्राउंड कलर वी यूज टेक्स्ट एट्रीब्यूट इन बॉडी टेक। ये बॉडी टेक के अंदर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का कलर का जो वो है वो इस्तेमाल होता है। लेट्स ट्राई इट और इसका रिजल्ट फिर देखते हैं। अच्छा, बॉडी टेक हमारा ये है, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे बैकग्राउंड के लिए। हमने कहा था कि BG कलर, COLOR कलर इज इक्वल टू रेड, मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ फोर ग्राउंड, सॉरी फोरग्राउंड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट इज इक्वल टू ग्रीन, GREEN ग्रीन मैंने दे दिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ, मैंने सेव कर लिया, अब मैं इसको ओपन करता हूँ, मैंने इसको ओपन कर लिया। अच्छा, अब इसको देखें, बैकग्राउंड का कलर जो है वो मैंने रेड दिया था, बेजी कलर, और चूंकि मैंने यहाँ पे लिकाई नहीं की है तो मैं लिकाई भी कर लेता हूँ ताकि वो भी नज़र आए, आपको पता चले कि हमने इसको ग्रीन कर दिया है। तो मैं टाइप करता हूँ कुछ ऐसे, लो बेस एग्जाम्स विद जहांगीर, अब इसको मैं सेव करता हूँ ताकि ये लिकाई भी आपको नज़र आए। सेव कर लिया मैंने, अब इसको जाके ओपन करके मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ग्रीन कलर में लिकाई उसके साथ आ गई। सो दिस इज हाउ वी चेंज फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। अच्छा, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज हाउ कैन वी अप्लाई इमेज एज अ बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड पे कलर ना हो, कोई इमेज हो, उसके लिए हमारे पास वो भी बॉडी ही की टेक में यूज होता है एट्रीब्यूट बैकग्राउंड का, और उसके लिए हम कोई इमेज यूज करेंगे। लेट्स चेक इट, हम चेक करते हैं, कोई इमेज देखते हैं हमारे पास कौन सा इमेज प्यारा होगा। चलो ठीक है, इसी ही को हम अप्लाई करते हैं जो हमने कॉपी किया था, और उसको हम बॉडी टैग में यूज करेंगे, बैकग्राउंड BACKGROUND ग्राउंड इज इक्वल टू, और वो जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट करूंगा, .JPG था, JPG मैंने लगाया, और इसको मैं क्लोज कर दूंगा डबल कोट्स के अंदर। अब इसको मैं सेव करता हूं तो वही इमेज जो है बैकग्राउंड में भी आएगा। सो लेट्स चेक इट, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें ये इमेज जो है वो बैकग्राउंड में आ गया। अब आप इसके ऊपर लिखाई कर सकते हो, जो भी करना चाहते हो यू कैन डू इट।
So these are some basic things related to background. Thanks for watching. Any question can be asked in comments. If you want to suggest something for the improvement of video or content, it will be highly appreciated. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.